जबलपुर के तिलवारा थाना अंतर्गत सगड़ा क्षेत्र में सुबह एक युवक की लाश पाई गई। युवक के शरीर पर धारदार हथियारों के निशान थे और चेहरा बुरी तरह से कुचला गया था। नजदीक ही एक भारी पत्थर भी पड़ा हुआ था, जिससे ये बात साफ हो रही थी कि पत्थर पटक कर उसकी हत्या की गई है। युवक की लाश के पास ही एक स्कूटी वाहन पाया गया, जिससे मृतक की पहचान नीरज लोधी के रूप में की गई। मौके पर पहुंचे मृतक के परिजनों ने बताया कि मृतक नीरज का किसी से कोई विवाद नहीं था, ऐसे में उसकी हत्या की वजह सामने नहीं आई है। पुलिस अज्ञात आरोपियों की तलाश में जुट गई है और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। पीबीसी के लिए जबलपुर से ब्यूरो सुनील सेन की रिपोर्ट। क्या घटनाक्रम हुआ और कहां की घटना है ये पूरी? आज 10 बजे जानकारी मिली कि सगड़ा मार्ग आयुषी धारा कॉलोनी के सामने खाली मैदान है, वहां पे किसी व्यक्ति का शव पड़ा हुआ है। जो मौके पर हम लोग जाकर देखे तो शव पड़ा हुआ मिला, उसके सिर और चेहरे से खून निकला हुआ था। अज्ञात बॉडी थी, पास में एक स्कूटी गाड़ी खड़ी थी, उसका नंबर देखो ध्यान नहीं आ रहा। उस गाड़ी का नंबर हमने सर्च किए तो वो गाड़ी निकली अपने चेरीताल चौकीताल नीरज लोधी की निकली। वहाँ सूचना दी है तो उसके परिवार के लोगों ने आया तो उसकी शिनाख्त की, जो नीरज लोधी की शव पाया गया है और अभी उसको पीएम के लिए पहुँचाया गया है, जाँच जारी है। कहाँ कहाँ पूरे शरीर में चोटें हैं बताइए? उसके चेहरे सिर पर चोटें पाई गई। कहाँ की उम्र क्या होगी जी? मृतक की उम्र 30 साल का है। ठीक है। अपने आसपास की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए हमारे चैनल पुलिस ब्यूरोक्रेट्स न्यूज को बेल आइकन दबाकर सब्सक्राइब करें, जिससे आपको हर खबर समय से मिलती रहे। अधिक जानकारी के लिए हमसे संपर्क करें, हमारे कॉन्टैक्ट नंबर हैं 9039011886 एवं 9770229999।